नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे काशी से सधेगा पूर्वांचल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश इस वक्त देश की सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में अपना नामांकन किया और ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था। सोमवार को पीएम मोदी ने 5 किलोमीटर का रोड शो भी किया था। बीजेपी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश की, जिससे माना जा रहा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल अवध बुंदेलखंड को अब मथने की तैयारी में है। लिहाजा पीएम 3 दिन में 14 लोकसभा सीटों के लिए जनसभा और रोड शो करके माहौल गरमाएंगे, क्योंकि अब चौथे चरण के मतदान खत्म होने के बाद सियासी दल अब दक्षिण और मध्य भारत से निकलकर उत्तर के राज्यों की तरफ बढ़ चले हैं और आगामी 3 चरणों में उत्तर प्रदेश की 41 सीटों पर मतदान होना है। इसमें उत्तर प्रदेश की कई हॉट सीटें भी शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले वाराणसी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर भी शामिल है। पिछले चुनाव में भाजपा ने इनमें से लगभग सीटों पर परचम फहराया था। इस बार 4 चरणों के मत प्रतिशत का आकलन करते हुए बीजेपी ने 5वें, 6वें और 7वें चरण के लिए अपनी जमीन को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। वहीं बात अगर पूर्वांचल की जाए तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए प्रस्तावकों में हर समाज से लोगों को चुना और इसे सपा के पीडीए की काट के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम के वाराणसी के लड़ने के बारे में माना जाता है कि बीजेपी पूर्वांचल की 26 सीटों पर एक साथ समीकरण साधती है। साल 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़े थे तो पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया था और इसलिए पीएम के वाराणसी में कार्यक्रम का असर 26 सीटों के साथ यूपी की अन्य सीटों पर भी पड़ेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि जो पिछली बार का स्ट्राइक रेट है, क्या बीजेपी उसे कायम रख पाएगी, जैसे इनमारी करने में इंडिया अलायंस कामयाब होगा, बीएसपी ने क्योंकि पिछली बार खेल बिगाड़ा था, इस बार बीएसपी कितना कमाल कर पाएगी, तमाम होंगे सवाल, चर्चा भी। लेकिन कुछ रिएक्शंस हमारे पास आए हैं इस मसले से जुड़े हुए, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के साथ साथ काशी के सभी जनमानस के मन में, और माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में आए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी उद्बोधन हम सब के लिए एक मार्गदर्शन है और भविष्य में किस प्रकार से हम लोगों को काम करना है, उन सारे कामों की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री। जैसा मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी जिस प्रांत से चुनकर आते हैं वहां मजदूरों की यह दुर्दशा है कि 230 से 237 रुपए सिर्फ 60 रुपए मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की थी लिखकर कि इस महंगाई के समय में कम से कम 375 रुपीज प्रतिदिन मनरेगा की मजदूरी दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए प्रॉमिस किया कि हम 400 रुपए की मनरेगा मजदूरी देंगे। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 4 चरणों में विपक्ष के सुपड़ा साफ हो चुके हैं, विपक्षी नेताओं के चेहरे उतरे हुए हैं, मोदी जी के प्रति स्नेह वोटरों ने ईवीएम को लबालब से भर दिया है और कमल के निशान को दनादन दबाया है। 18 दिन बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अखिलेश जी स्वयं चुनाव हार रहे हैं, प्रदेश की देवतुल्य जनता मोदी जी को पुनः सेवा करने का चुन लिया है। तो पूर्वांचल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 26 सीटें और अभी जो बाकी के चरण हैं यानी 5वां, 6वां और 7वां चरण में 41 सीटें हैं, आधी यूपी की सीटें, जिसमें पूरी तरीके से जीत की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ना केवल जीत बल्कि बड़ी लीड से जीत की कोशिश के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया, उस पर देश की नज़र रही, जो ना केवल वाराणसी बल्कि बाकी की आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालेगा और 26 सीटें पूर्वांचल के सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर रहीं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि स्ट्राइक रेट अपना कायम रख पाएगी बीजेपी या नहीं, मिली उन मेहमानों से आगे चर्चा उन्हीं के साथ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी सना शेख कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सना जी बहुत स्वागत आपका। बीजेपी से हमारे साथ
बालकृष्ण पांडे जी जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत, रविंद्र प्रताप जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम। सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुजीत जी आपका भी स्वागत करते हैं। सुजीत जी, पूर्वांचल जो काफ़ी महत्वपूर्ण गढ़ है, क्षेत्र है, जिसमें 2014 से पहले इतनी मजबूत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2014-2019 लगातार उसने अपनी पकड़ बनाई, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव कहीं बीजेपी को यह एहसास करा गया कि और भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश। वाराणसी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया तो प्रस्तावकों को वहां पर लाया गया जिनकी जातियां बड़ी महत्वपूर्ण थी, ये दाव चलेगा क्या? और फिर ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह भी उनके साथ अब जुड़ गए हैं, पिछली बार वो भी घाटे का ही सौदा था, अगर वो चले गए थे तो इस बार बीजेपी के साथ है। सुजीत जी, पालू जी, मेरा आपसे अनुरोध है पहले आप जरा दूसरों को ले लें तो फिर मैं समीक्षा करूं उस पर। ठीक है, आप फिर भी क्या बोलना चाहेंगे, जो आपने रोड शो देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम देखा, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो जो कठिन समय था वो काफी हद तक दूर हो गया है। आजमगढ़ मंडल के आसपास की एक दो सीटें जरूर थोड़ी सी कठिनाई दे रही हैं, बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद में भारतीय जनता पार्टी कमोबेश ठीक है। कल मैं स्वयं चुनाव में था सीतापुर जनपद की कई सीटों पर, और वहां जो मैंने देखा उसमें मैंने ये देखा कि जो गठबंधन का वोट था उस वोट का एक बड़ा भाग भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुआ है। मैं जमीनी स्तर पर वहां पर मौजूद था तो मैंने जो देखा वो, और ज्यों-ज्यों उत्तर चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर पूरब की ओर बढ़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, त्यों-त्यों भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत होती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं से विपक्ष, यद्यपि विपक्ष निराश तो है, लेकिन विपक्ष को कुछ ना कुछ थोड़ा सा हासिल होगा। भारतीय जनता पार्टी उतनी कमजोर वर्तमान स्थितियों में नहीं है जितनी आंकी जा रही थी। जी, बाकी मेहमानों की तरफ हम रुक कर लेते हैं, छोटी समीक्षा करने की कोशिश सुजीत जी ने कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि बाकी भी मेहमानों के बाद वो अपनी टिप्पणी देंगे। बालकृष्ण पांडे जी, पुराना स्ट्राइक रेट दोहराना ये आपके लिए इतना आसान भी नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पहले गठबंधन था अब वो गठबंधन साथ में नहीं है, बीएसपी सपा की मैं बात कर रही हूँ, उसने आपको पूर्वांचल में परेशान किया था, तो अभी सुजीत जी बता रहे हैं कि आपकी तरफ वोट शिफ्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी जोर लगा रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, और एक कहा जा रहा है जो ये प्रस्तावक वाला फॉर्मूला है पीडीएफ की काट के तौर पर आप लेकर आए। देखिए प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ के जनमानस को ध्यान में रख के कोई काम करते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये प्रधानमंत्री जी की नीति है, सबका वो हो। और ये भारतीय जनता पार्टी के सब जो जितने भी प्रस्तावक हैं हमारे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। एक बात जो आज ध्यान देने वाली है कि प्रधानमंत्री जी ने आज जो नामांकन किया है, आज गंगा सप्तमी थी और आज के दिन ही माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था, तो माँ गंगा के बरद पुत्र ने, माँ गंगा ने जिनको बुलाया था काशी, आज के ही दिन माँ गंगा के आविर्भाव के दिन ही आज उन्होंने नामांकन किया है। दूसरे प्रश्न का जवाब दे दें कि पिछले बार भी 80 में से हमारे एनडीए को 65 सीटें प्राप्त हुई थी, पूर्वांचल में हमारा मत प्रतिशत लगभग 50 के आसपास था, और जो इनका गठबंधन था 19 में, उस गठबंधन को 37% के आसपास मत मिला था, सीटें हमारे पास 20 थी, इनके पास 5-6 थी। तो मेरा इतना सा कहना है कि प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की जो सनातन अस्मिता की रक्षा के लिए किया गया काम है, वो काशी हो चाहे अयोध्या हो, प्रधानमंत्री जी का लोक कल्याणकारी कार्य चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, इन सब का इम्पैक्ट 140 करोड़ के जनमानस पे और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जनमानस पर बहुत गंभीरता से है। प्रधानमंत्री के भाव का, प्रधानमंत्री के सोच का, प्रधानमंत्री के कार्य का, तो विपक्ष के पास प्रधानमंत्री की जो नीति है, जो नियत है, जो काम है, और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि विरासत से विकास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उससे और ये स्वाभाविक है, पहली बार तो नहीं है जब हम पूर्वांचल में कार्यक्रम देख रहे हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम भी लोगों ने देखा, लेकिन अभी इलेक्शन टाइमिंग में पूर्वांचल जिसको साधने का आपका भी प्रयास है, लेकिन पिछले बार आप लोग बीएसपी के साथ थे, अब आप बीएसपी के साथ नहीं, आप इंडिया अलायंस में जिसमें बीएसपी नहीं है, जिसका वोट बैंक यहाँ पर ज्यादा है, क्या करिश्मा कर पाएंगे सर? देखिए पारुल जी, ये चुनाव
2004 की तर्ज पे है जब इंडिया शाइनिंग से भारत की जनता लड़ रही थी, ये ठीक उसी तर्ज पे है। मोदी जी ने दो इवेंट किया, श्री पटना साहिब में जाके और श्री काशी जी में जाके। इससे पहले मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। फिर मोदी जी ने दो इवेंट किए, ये बता रहा है कि मानसिक रूप से हार मान चुके हैं। पहला इवेंट जो मोदी जी का पटना साहिब में था, वो जो सिखों को इन्होंने आतंकवादी बताया था, उग्रवादी बताया था, खालिस्तानी बताया था, उसके प्रायश्चित के रूप में श्री पटना साहिब जाप में गए। फिर दूसरा इवेंट किया श्री काशी जी में जाके, श्री काशी जी में विकास के नाम पे 1000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए। उत्तर प्रदेश सरकार के 3-3 मंत्री, जिसमें एक मुख्यमंत्री भी शामिल है, उन्होंने माता सीता को, प्रभु श्री राम को, बजरंग बली को आपत्तिजनक शब्द कहे और स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने अपने को विष्णु कहला दिया। तो ये इस जो वैदिक धर्म का इन लोगों ने अपमान किया, उसका प्रायश्चित आके मोदी जी ने काशी कर दिया। अब वो अपने वनप्रस्थ आश्रम की तरफ, जैसे बार बार कहते रहे हैं, तो वनप्रस्थ आश्रम की तरफ जाने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं और जनता उनका स्वागत कर रही है। वो धन्यवाद। ठीक है, आपका कहना है कि इन तमाम मुद्दों के साथ, क्योंकि मैं पूर्वांचल की बात कर रही हूँ जहाँ जातियाँ विशेष महत्व रखती हैं, जहाँ से ओम प्रकाश राजभर जो पहले आपके साथ थे वो अब जा चुके हैं, और उसके अलावा किसान, किसानों के बारे में एक बात नहीं बोली आपने, लौट रही हूँ, हो सकता है आप अगली बार में अपनी बात रखें। अब हम कांग्रेस के पास जा रहे हैं, सना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सना जी, यहाँ पर तो खाता ही नहीं खुला था आपका पिछली बार, इस बार भी आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको सीटें बहुत कम दी हैं पूरे यूपी में, और पिछली बार तो फिर भी 2% वोट आ गया था, इस बार तो सीट उतनी है ही नहीं जिन पर जब चुनाव लड़ रहे हो, पूरे 80 सीटों का 2% था, तो यहाँ पूर्वांचल में तो आपकी क्या चर्चा करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए कांग्रेस की? बिल्कुल करनी चाहिए चर्चा। और आप सभी भाइयों को नमस्कार, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी की जुबान जो है लड़खड़ाने लग गई है अब, क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो जो है लोगों के सामने पेश किया है, उनकी जुबान हिल गई है, वो अनाप शनाप बातें करने लग गए हैं। तो सीटें हमारी कम हो या ज्यादा हो, सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनने जा रही है, और इनके अब जो जनता है वो इनके झूठे वादे जुमलों में जो है नहीं आने वाली। मेरे भाई जो है बालकृष्ण भाई जो है, इन्होंने अभी बताया कि आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला योजना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी मैं क्षेत्र में कई बार जो है चुनाव के में लोगों से मिली हूँ, तो लोगों उज्ज्वला गांव में मैंने पूछा आ जा करके, तो महिलाओं ने ज्यादातर यही कहा कि कुछ ने तो कहा कि मिला नहीं सिलेंडर और ये सब चीजें, और कुछ ने कहा जिनको मिला था उन्होंने ये बताया कि इतना महंगा है कि हम दोबारा खरीद ही ना सकते। तो आप ये बताइए कि हमारी कांग्रेस की सरकार में 400 कुछ का सिलेंडर हुआ करता था, तो उस वक्त स्मृति ईरानी जी ने मनमोहन जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजी थी, कितनी शर्म की बात है। और अब जब इनकी सरकार में 1100 के पार सिलेंडर हो गया और इन लोगों ने सांस डकार उस पर नहीं लिया, उसके बाद क्या होता है कि ये जो है चुनाव के समय 200 रुपए के आसपास कुछ जो है कम कर देते हैं, उसके बाद ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने तो महंगाई कम कर दी, है ना। तो ये महिला, अब आते हैं महिला सुरक्षा के ऊपर, इनके एमपी वो जो रवन्ना जी हैं, इनके विधायक कुलदीप सेंगर रहे हैं, ये लोग देखिए बलात्कारी, तो इनके जो है 2000 से ज्यादा वीडियो वायरल है रवन्ना साहब के, ऐसे आदमियों को टिकट कैसे दे देते हैं अपराधी लोगों, अपराधी शख्स को टिकट इनके यहाँ मिलता है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी सरकार में कितना ज्यादा अपराध और ईडीआर की रिपोर्ट से आप वाकिफ होंगी वैसे तो, ये कितने अपराधी हैं, कितने लखपति करोड़पति हैं, ईडीआर की रिपोर्ट में कई आपके भी नाम है। देख, अरे हमारे जो नाम है वो आप उनको जो है साबित कीजिए, है ना। पहले अरे मैडम वो मेरा काम नहीं है, मुझे लगता है आप कहीं और ले गई चर्चा को, मतलब कोर्ट मैं ना कोर्ट ना जज ना वकील, चुनाव के मुद्दे पे एक ही बात करती हूँ। नहीं तो साबित कोई नहीं कर सकता अभी, जब तक आपका जो मामला है वो पेंडिंग। अभी देखिए आपके सहयोगी रविंद्र जी समझ नहीं पा रहे आप क्या बोल रही हो, तो मजाक ऐसा वाला मत कीजिए कि हमारे गले से ना उतरे।
ठीक है, लौट रही हूँ। उज्ज्वला योजना की बात चल रही है, उज्ज्वला से जाते जाते आप अपराधियों पर बात करने लगी और फिर वह जब चिट्ठा खुलेगा अपराधियों का मुद्दे कई बेनकाब आपके नाम पे होंगे, जवाब देना चाहूंगा। बोलने नहीं देंगी आप, बोलने नहीं, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, मैं बारी बारी से दोबारा आऊंगी। रुकिए रुकिए, नहीं नहीं सना जी, ये पुराना पुराना स्टाइल हो गया है, थोड़ा पुराना स्टाइल हो गया है कि आपको पूरी बात करने दे और आपको रोका जाए तो आप ये बोले। थोड़ा रुकिए, वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा सना जी, वेट करना पड़ेगा। अब मैं बारी बारी से आऊंगी आप सभी के पास। मैं सुजीत जी के पास जा रही हूँ क्योंकि सुजीत जी ने कहा था कि आप सभी की बातों को रखने के बाद वो अपनी बात रखेंगे। सुजीत जी, पूर्वांचल, पूर्वांचल मैं सोच रही हूँ कि हम आंकड़ों पर बात कर लें, हम जातिगत समीकरणों पर बात कर लें, लेकिन वो मुद्दे जो चर्चा में आ रहे हैं उन पर भी जो प्रवक्ता हैं वो भी बात करना चाहते हैं। क्या मानते हैं आप, जो दाव अभी खेले जा रहे हैं, खासतौर पर तब जब गठबंधन पुराना वाला नहीं है, अब राजभर और दारा सिंह भी आप बीजेपी के पास हैं और पल्लवी पटेल भी अपने आप को बता चुके पीडीएम हैं, आप क्या मानते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कहा ही जाता है पूर्वांचल में कि जाति फैक्टर बहुत मैटर करता है। सुजीत जी, अरुण जी, पहली बात तो बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हो रहा है। जी सर, हर कदम पर, हर स्थान पर केवल योगी आदित्यनाथ को देख करके लोग वोट दे रहे हैं, पहली चीज। यहाँ पर मोदी जी से ज्यादा प्रासंगिकता योगी आदित्यनाथ की है और उनकी कानून व्यवस्था पर स्थित है, उनकी कानून व्यवस्था का हर वर्ग हर स्तर पर सम्मान कर रहा है। दूसरा विषय, अभी एक उज्ज्वला विषय का कहा, लगभग 1,90,00,000 कनेक्शन उत्तर प्रदेश में दिए जा चुके हैं। मैं एलपीजी फेडरेशन में हूं और मेरे पास एक एजेंसी है, मुझे पल पल इसकी कहानी पता है। उज्ज्वला धारक, उज्ज्वला का कनेक्शन लेने वाले लोग अब मिल नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास में, जिनके पास में राशन कार्ड है उनको उज्ज्वला बुला बुला करके दिया गया है, तो ये उज्ज्वला कनेक्शन नहीं मिला, ये इस बात पर सहमत नहीं हुआ जा सकता है। तीसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुलदीप, वेट भाई साहब, कुलदीप आप, मैंने आप मुझे सुनिए, आपके पास आ जाऊंगी, आप अपनी बात सुनिए। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया है या नहीं किया है ये जन समाज जानता है, तकनीकी रूप से वो निश्चित रूप से आरोपी हैं, वो सिद्ध दोष हैं, लेकिन सिद्ध दोष वो समाज उनको नहीं मानता, उन्होंने रेप नहीं किया था, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर का और चौहान का विषय है, वो कोई मैटर नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश में केवल एक ही फेस है और योगी आदित्यनाथ है, और खास करके अब जो जो चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, भाजपा के दो प्रवक्ता बैठे हैं। ठीक है, रुक जाइए, पुरानी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, जैसे आप गलत एलपीजी के बारे में बोल रही हैं, मैं एलपीजी के बारे में और आप सीधे टारगेट बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, एक मिनट आप थोड़ा सा शांत रहे, आप एलपीजी के बारे में गलत आंकड़े दे रही हैं, तो मैं तो चुपाई करूंगा ना, क्योंकि मैं खुद एलपीजी से जुड़ा हूं। ठीक है, पूर्वांचल में एलपीजी मुद्दा कितना कामयाब होगा, किसान बेल्ट, किसान एरिया है, लेकिन ठीक है सर, मैं मुद्दे पर आ जाऊं, डिबेट से भटक रहे हैं हम सभी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य कार्यक्रम, और जिस तरीके से कार्यक्रम किया गया उससे कहा गया कि 26 सीटों पर सीधे तौर पर ये असर करने वाले हैं। मैं वापस मुद्दों के साथ कृष्ण पांडे जी आपके पास आ रही हूं, और सवाल ये है कि तमाम मुद्दों के साथ वहां पर किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी डेवलप कर लिया, लेकिन 2022 में, मैं आप अपने मुद्दों पर, मैं थोड़े से फैक्ट्स के साथ आ रही हूं आपके पास, 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें स्थितियां बीजेपी की अच्छी नहीं रही, इसलिए भी मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों को। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में भी हम दोबारा सरकार में हैं और केंद्र में तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी जी का सुशासन है और योगी जी का बुलडोजर अपराधियों पे, राष्ट्रद्रोहियों पे गरज रहा है और भयाक्रांत है जहां अपराधी और राष्ट्रद्रोही, वही मोदी जी का विकास, मोदी जी का विजन, मोदी जी का जो विरासत के लिए प्रेम है, जो काम किया है और गरीबों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं हैं, ये पूरे देश को पता है और समस्त मीडिया बंधुओं को भी पता है, चाहे मैं उसको 5 बार बोलूं, 10 बार बोलूं, लेकिन उन्होंने 25 करोड़ गरीबों का जीवन, क्या संदेश देना चाह रहे थे आप, इतना बड़ा कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 11 मुख्यमंत्री बुला लिए, इतना भव्य कार्यक्रम, 5 किलोमीटर का रोड शो, प्रधानमंत्री इस राष्ट्र के वो प्रधानमंत्री हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रहे,
अगर भारतीय जनता पार्टी के 11 मुख्यमंत्री उनके पर्चा नामांकन में आते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से अपने नेता के प्रति एक भाव है जिससे इस देश जिससे समस्त प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए। दूसरी बात कि जो इतना बड़ा कह रही कि लोगों को बुला के बुलाया नहीं गया, प्रधानमंत्री जी के प्रति इतने लोगों की आस्था है कि वो स्वयं आते हैं। ठीक है, पूर्वांचल में दोबारा आपका स्ट्राइक रेट आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको लेकर आपके पास कोई तथ्य तर्क नहीं है? मुझे एक जवाब देने दीजिए। अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की आवाज ऐसा हो रही वैसा हो रही है, प्रधानमंत्री जी की आवाज तो पूरे विश्व में गूंज रही है। और जो बारी बारी से अपनी बात रखनी होगी, प्लीज मैं आपसे निवेदन करूं वरना मुझे डिबेट क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि आवाज जाती नहीं लाइन पर। रविंद्र जी अपनी बात रखिए, फिर आ रही हूं सना जी आपके पास। Okay. प्रथम तो मैं निंदा करता हूं, जो विश्लेषक महोदय बैठे हैं, माननीय न्यायालय ने मतलब तीन न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह को बलात्कारी माना है। इसके बावजूद ये जो महोदय बैठे हुए हैं विश्लेषक यहाँ पे कोर्ट के आदेशों के बियॉन्ड जाके उसको कह रहे हैं कि समाज जानता है कि उसने बलात्कार नहीं किया है। तो इनकी मैं निंदा करता हूं और ये कोर्ट का कंटेम्प्ट भी है। दूसरे विषय पे आता हूँ, एलपीजी की बात कर रहे थे। एलपीजी में योगी जी ने अभी जो दीपावली गई है उसमें ये खुद उन्होंने उनके भाषणों में है कि हमने 1.8 करोड़ सिलेंडर दिए हैं, 1.8 करोड़ सिलेंडर दिए हैं, लेकिन उसमें 70 लाख सिलेंडर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। मतलब 70 लाख रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उन्होंने सिलेंडर नहीं लिए, 70 लाख लोगों ने लिए ही नहीं। अगर सफाई के कुछ लोगों को ना मिला हो तो बता दीजिए, आपने ना पाने दिया हो तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा अनुरोध है कि मुझे एक जो उन्होंने उन्होंने सिलेंडर पर बहस नहीं हो रही है सर, कहाँ एलपीजी पर ले गए आप डिबेट को? ठीक है सना जी, सिलेंडर पर बहस नहीं हो रही है सर, इतनी इम्पोर्टेंट डिबेट जिसमें हम पूर्वांचल की 26 सीटों को लेकर बात करते हैं, कहाँ लेकर चर्चा? सना जी का ऑडियो दीजिए, बाकी सबका ऑडियो डाउन रखिए क्योंकि अभी उन्हीं की बारी है, बोलने दीजिए। देना ही नहीं चाहिए आपको। ठीक ठीक हो गया सर, सिलेंडर जिसको चाहिए आप दिलवा देना, ले जाकर नाम जो भी ऑथेंटिक लोग। रुक जाइए प्लीज, सिलेंडर पे डिबेट नहीं है सर, एलपीजी पे डिबेट नहीं है, रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। दिलवा देंगे आदित्यनाथ से लेके और सुजीत को दे देंगे, सुजीत उनको जाके दे आएंगे। ठीक है ठीक, रुकिए सना जी, बोलिए बोलिए सना जी। प्रवक्ता सफाई खानदान के प्रवक्ता जी, भाषा बस रुक जाइए कृष्ण पांडे जी। सना जी आप बोलना शुरू कीजिए वरना मैं माफ कर जा सकूंगा। सना जी भाषा ठीक रखो, सनातन धर्म को प्रभु श्री राम को मुझे लगता है प्रभु श्री राम को मुझे लगता है कि सामाजिक मुझे लगता है कि डिबेट में व्यक्तिगत बातें चलिए व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए और अपनी बहस अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अपने तथ्य और तर्क रखिए। सिलेंडर पर एलपीजी पर नहीं थी सर चर्चा, आप लोग कहाँ चलेगा? खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय इतना ही इजाजत देता था। काशी से सधेगा पूर्वांचल, 26 सीटें जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से हुंकार भरी तो 26 सीटों तक पहुंची, आजमगढ़ तक भी पहुंची होगी, ये कई लोगों का वहां पर मानना है, खासतौर पर बीजेपी कार्यकर्ता तो दावा कर रहे हैं। लेकिन दावा एक और भी खेला गया जिसको कहा गया कि पीडीए की काट है, चर्चा हम इसी पर करना चाह रहे थे लेकिन एलपीजी निकल गया, महिलाएं निकल गईं और फिर आपराधिक तत्वों की बात होने लगी। बहरहाल देखना यह होगा कि जिस तरीके से रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने और अब चौथे चरण के बाद पांचवें छठे सातवें चरण के लिए हुंकार भर रही है भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत यूपी, क्योंकि बाकी कई स्टेट्स में चुनाव हो गया है, अब यूपी उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 सीटों वाला सूबा जहां से चाबी सीधा निकलती है दिल्ली के लिए। तो देखना होगा और आने वाले समय पर किस तरह की रणनीतियां हैं और पांचवें छठे सातवें चरण के लिए बीजेपी ने क्या और फॉर्मूले अपने पास छिपा रखे, क्योंकि एक एक करके हमने देखा प्रस्तावों का वाला फॉर्मूला भी निकला, अब आगे देखना होगा सियासत किस ओर जाती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।